बात पूछूं आपसे? पूछो। बुरी लड़की समझते होंगे ना आप मुझे। पहले किसी के साथ अपने चाचा के घर से भाग गई और अब आपकी जिंदगी पर जबरदस्ती मुसलत कर दी गई। कितनी बुरी हूं ना मैं। मैं किसी एक दिन का कोई एक लम्हा बताओ जब तुम्हारे बारे में मैंने ऐसा सोचा। मैं कैसे कहूं अपना अमानत हो, अमानत हो। ये बैग आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मुझे कंपनी के काम से अचानक इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। तो मुझे बता दें, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं कर लूँगा, इतने अरसे से अभी तो खुद ही करता आ रहा हूँ, कर लूँगा मैनेज। इतना सा तो काम है, बता दें क्या क्या रखना है, मैं रख देती हूँ। अंदर अलमारी में कुछ फॉर्मल सूट्स होंगे, उनमें से दो निकाल दो और कुछ नेकटाइज भी। जी ये वाले? हाँ, इनके साथ मैचिंग टाइज भी निकाल दो। अब मुझे ऑफिस के काम से कल इस्लामाबाद जाना है। अरे यार, तुम्हारे हेड ऑफिस वाले भी अजीब लोग हैं। हर एक दो महीने के बाद एक दिन के नोटिस पर तुम्हें इस्लामाबाद बुला लेते हैं मीटिंग के लिए। जी, कुछ फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनके साथ कुछ मीटिंग में डिस्कशन करनी है। अच्छा, और कितने दिन लगे? 3-4 दिन तो लग जाएंगे। ये सैर सपाटे के लिए जाने का अच्छा बहाना है। मी महर मेरे साथ नहीं जा रही, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। आप कहती हैं तो वो भी छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं यार, कैसे की बात कर रहा हूँ, ऑफिस का काम है, जाना तो पड़ेगा ही। बाहर आ जाओ, खैर से वापस आना। हम पे ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं है, उसे साथ ही लेकर जाओ, मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अम्मी कैसी बातें करती रहती हो हर वक्त फिरदौस। मैंने कह दिया ना, वो जरार के साथ ही जाएगी बस। जाओ बेटा, तुम भी चली जाओ इसके साथ, इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लोगी। कल रात की फ्लाइट है, आपने चलना हो तो चले, 2-3 सूट रख लिया। मैं तैयार नहीं हूँ, आपको पता है ना, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, एयरपोर्ट का रास्ता भी आधे घंटे का है अभी। मैंने आपसे कह दिया था मुझे कहीं नहीं जाना। मैं, मेरे पास इस वक्त बहस का भी टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए। वहाँ आपका काम है, मैं जाके क्या करूंगी, मैं आंटी से बात कर लूंगी। और आपको लगता है कि अम्मी आपकी बात मान लेंगी? जाइए, अगर आपको अपनी बेइज्जती कराने का ज्यादा शौक है तो जाइए, कर लीजिए जाके बात। लेकिन मैं एक बात तय कर चुका हूँ मेहर, सब घर के जो हालात चल रहे हैं ना, अम्मी ने जो कह दिया वो कह दिया। अगर वो कह रही हैं कि आपने जाना है तो आपने जाना है, चाहे आपकी मर्जी हो या ना, मैं उनकी बात रद्द नहीं कर सकता। प्लीज तैयार हो जाइए, मैं आता हूँ। क्यों कर रहे हैं? तेरा अपना घर, एक रात क्या, तो जितने दिन चाहे हम भाभी के साथ रह सकते हैं। वैसे भी ये जगह मुझे कंपनी ने लौट दी, फिक्र ना करना। बस हम कल सुबह होते ही निकल पाएंगे। मेरे साथ तो सारे लगे होते हैं, हमें आसानी से यहाँ ट्रेस कर सकते हैं। हाँ हाँ, मुझे आपकी ईमेल मिल गई है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम देना, अभी इस्लामाबाद पहुँचा, मैं थोड़ी देर में बोलता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? हाँ, तो क्यों गई? होता है मेहर, शायद ऐसा ही होता है, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पे ला खड़ा करती है जो गुजरे कल में हमारे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। मुझे तो लगता है मैं अभी भी एक इम्तिहान हूँ, एक कड़ी आजमाइश है जो मुसलसल है, ना खत्म होती है ना कम होती है।
तुम अभी ऐसे ही समझती हो। हालांकि पहले दिन से चाहने या ना चाहने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। साथ खड़ा रहने से कोई पास तो नहीं हो जाता ना। क्या मतलब? बात पूछूं आपसे? पूछो। बुरी लड़की समझते होंगे ना आप मुझे। पहले किसी के साथ अपने चाचा के घर से भाग गई और अब आपकी जिंदगी पर जबरदस्ती मुसलत कर दी गई। कितनी बुरी हूं ना मैं। किसी एक दिन का कोई एक लम्हा बताओ जब तुम्हारे बारे में मैंने ऐसा सोचा या तुम्हें यह एहसास दिलाया। अगर तुम्हारे किरदार को लेकर मेरे दिल में जरा सा भी शक होता ना तुम आज मेरी जिंदगी में कहीं दूर दूर तक ना होती। क्या बात? क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है बताओ। सरार ये वही जगह है जहां फवाद अस्सलाम वालेकुम मैं हूं उर्वा हुसैन। Subscribe to the ARY Digital YouTube channel for more entertaining content.